2024 का फाइनल मुकाबला 26 मई को कोलकाता नाइट राइडर व सनराइजर हैदराबाद के बीच एम चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम चेपक चेन्नई में होना है। और आज के इस वीडियो में इस फाइनल मुकाबले के लिए चेपक चेन्नई के लिए हम पिच रिपोर्ट लेके आए हैं। आईपीएल 2024 में इस वेन्यू पर 9 मुकाबले होने थे, 7 मुकाबले सीएसके के होम ग्राउंड के हिस्से की, इसके अलावा यहां पर क्वालिफायर 2 और अब फाइनल मुकाबला इस वेन्यू पर होना है। इस वीडियो में हम पिछले सारे मुकाबलों का स्टैट्स एड ऑन करते हुए एक निचोड़ निकालेंगे और यहां पर यह देखने का प्रयास करेंगे इस अंतिम मुकाबले में इस पिच से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, लेकिन चैनल पर अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन के बेल पर ऑल वाला बटन ऑन कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और टेलीग्राम पर नहीं जुटे हैं तो टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अगर लिंक ना काम करे तो टेलीग्राम पर जाके क्रिकेट एक्सपर्ट बाय विवेक के नाम से सर्च करते हुए आप जा सकते हैं। यहां पर टॉस के बाद सभी मुकाबलों के लिए ऑफिशियल पिच रिपोर्ट देने के साथ साथ सबके लिए बिल्कुल प्रीमियम फैंटेसी टीम भी देते हैं। फिलहाल दोस्तों बात करें इस वेन्यू पर अब तक के परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहां पर दोस्तों हमें बैटिंग पिच तो देखने को मिली है, लेकिन यहां पर ज्यादातर मैचेज में 180-190 तक की पिच देखने को मिल रही है, यानी कि गेंदबाजों के लिए भी यहां पर थ्रेट देखने को मिल रहा है और गेंदबाजी में भी तेज गेंदबाजी यहां पर ज्यादा कारगर कंपैरेटिवली स्पिनर्स के यहां पर देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के ये एक ऐसी पिच है जहां पर 75% बल्लेबाजी के लिए और 25% गेंदबाजी, खासकर तेज गेंदबाजी के लिए मदद देखने को मिल रही है। अब दोस्तों जो यहां पर आईपीएल 2024 में 8 मुकाबले कंप्लीट हुए हैं पिछले मैच को लेके, अब पहले इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने 3 मुकाबले जीत चुकी है, 5 बार चेंज करने वाली टीम मुकाबले जीते हैं। इस दौरान पहले इनिंग का एवरेज स्कोर 177 और दूसरे इनिंग का एवरेज स्कोर 159 का देखने को मिला है। वेन्यू का हाईएस्ट टोटल चेंज करते हुए बनाया गया था, जब इस सीजन आईपीएल 2024 में सीएसके ने पहले 210 बनाया, जिसको कि चेंज करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने स्टॉइनिस की सेंचुरी की बदौलत 213 कर लिए 19.3 ओवर में और मुकाबला जीत लिया। लोएस्ट टोटल की अगर हम बात करें तो केकेआर की टीम, जो कि अभी फाइनल में सीएसआरएच से भिड़ने वाली है, यहां पर सीएसके के अगेंस्ट 9 विकेट पे 137 बनाई है। तो लोएस्ट टोटल डिफेंड पिछले मुकाबले में हमको देखने को मिला था, जब सनराइजर हैदराबाद अपने 175 रन के योग को सक्सेसफुली राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट डिफेंड करके मुकाबला जीत के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। अब दोस्तों इन 8 मुकाबलों में जो इस सीजन आईपीएल 2024 में हमको देखने को मिला, पहले इनिंग का स्कोरिंग पैटर्न देखें तो 150 से कम 2 बार, 150 से 169 तक का योग 1 बार, 170 से 189 तक का योग भी 2 बार और 190 प्लस इस वेन्यू पर 3 बार बनते देखा जा चुका है। जहां तक बात बाउंड्री की है तो यहां पर 65 से 75 मीटर की मॉडरेट किस्म की बाउंड्री हमने देखी है। तो अगर हम बात करें जो मुकाबले यहां पर कंप्लीट हुए हैं, इस वेन्यू का पहला मुकाबला उद्घाटन मुकाबला ही था जब सीएसके आरसीबी आमने सामने थी। आरसीबी पहले बैटिंग करती है, सीएसके के लिए उनके तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान 4 विकेट निकालते हैं, जिसकी वजह से आरसीबी को 173 पर रोकती है और सीएसके ने ये स्कोर 4 विकेट पर चेज के मुकाबला जीत लेती है। अगले मुकाबले में सीएसके के सामने गुजरात टाइटन्स, सीएसके पहले खेलती है, यहां पर 6 विकेट पर 206 रन का बड़ा स्कोर बनाती है, गुजरात को 143 पर सीमित करते हुए आसानी से ये बड़े मार्जिन से मुकाबला जीत लेती है। अगले मुकाबले में सीएसके के सामने केकेआर, जो कि अभी फाइनल खेलने वाली है और केकेआर की बल्लेबाजी इस पिच पर यहां पर सीएसके के गेंदबाजों के सामने कोलैप्स होती है, मात्र 9 विकेट पर 137 तक केकेआर पहुंच पाती है। सीएसके आसानी से 18वें ओवर में मात्र 3 विकेट पर स्कोर चेंज करके मुकाबला जीत लेती है। अगले मुकाबले में जब सीएसके के सामने लखनऊ सुपर जायंट्स, एक हाई स्कोरिंग मैच, यहां पर सीएसके पहले बैटिंग करती है, गायकवाड की सेंचुरी शिवम दुबे के 66 की बदौलत 4 विकेट पर 210 बनाती है, लखनऊ की बल्लेबाजी खराब शुरुआत के बाद स्टॉइनिस की एक तेज सेंचुरी, मात्र 63 गेंदों में 124 रन बना के वन मैन आर्मी यहां पर मुकाबला जिता लेते हैं। अगले मुकाबले में जब सीएसके के सामने सनराइजर हैदराबाद थी, यहां पर सीएसके पहले बैटिंग करती है, 3 विकेट पर 212 करती है, यहां पर एक बार फिर से गायकवाड 98, डेरेल मिचेल 52, इसकी वजह से यहां पर 200 प्लस स्कोर बनाती है, 212 पर 3 पहुंचती है। हैदराबाद की बल्लेबाजी सीएसके के तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे के सामने बिखर जाती है, देशपांडे 4 विकेट लेते हैं, हैदराबाद को 134 पे ऑल आउट करते हुए बड़ी जीत सीएसके को जिला देते हैं। वहीं पर दोस्तों वेन्यू के अगले मुकाबले में जब सीएसके के सामने पंजाब किंग्स थी, इस वेन्यू पर सीएसके यहां पर पंजाब की गेंदबाजी के सामने स्ट्रगल करती है, 7 विकेट पर 162 तक ही पहुंच पाती है, 18वें ओवर में आसानी से पंजाब की टीम यह स्कोर चेंज करके मुकाबला जीत लेती है। वहीं पर दोस्तों जब सीएसके के सामने राजस्थान रॉयल्स थी, 12 मई को यह मैच
मैच हमने देखा था, यहाँ पर राजस्थान की बल्लेबाजी सीएसके के गेंदबाजों के सामने ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। 20 ओवर में 5 विकेट पर 141 की, जिसको कि आसानी से सीएसके की टीम 5 विकेट पर 145 करते हुए मुकाबला जीत लिया। वहीं पर दोस्तों इसके बाद अब बारी आई क्वालिफायर टू की, जो कि अंतिम मुकाबला इस वेन्यू का देखने को मिला। हैदराबाद राजस्थान रॉयल्स क्वालिफायर टू में आमने सामने फाइनल खेलने के लिए तैयार, सेमीफाइनल के रूप में ये मुकाबला खेला गया। हैदराबाद की पहले बैटिंग आई, अभिषेक शर्मा जल्दी आउट होते हैं। राहुल त्रिपाठी मात्र 15 गेंदों में 37 रनों की एक छोटी लेकिन आकर्षक इनिंग खेलते हैं। इसके बाद हेनरिक क्लेसन 50 लगाते हैं। जैसे तैसे हैदराबाद की टीम 9 विकेट पर 175 तक पहुँच पाती है। राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी यहाँ पर हैदराबाद के गेंदबाजों के सामने काफ़ी स्ट्रगल करती है। हालांकि निचले ऑर्डर में आके द्रोजुरेल 50 जरूर लगाते हैं, लेकिन राजस्थान मात्र 137 तक पहुंच पाती है। यहां पर राजस्थान बाहर होती है और हैदराबाद को एंट्री मिलती है फाइनल की। तो दोस्तों आपने देखा यहां पर जो दो मुकाबले खेली हैं हैदराबाद की टीम और साथ ही केकेआर की टीम लीग फेज में, दोनों ही मुकाबलों में दोनों ही टीमों का बल्लेबाजी अपने अपने मैचेज में कोलैप्स की थी। हालांकि जो क्वालिफाइड टू हुआ है यहां पर हैदराबाद ने थोड़ी अच्छी बैटिंग की थी। अब दोस्तों इन 8 मुकाबलों की 16 इनिंग में गिरे कुल मिला के 93 विकेट, पहले इनिंग के 49, दूसरे इनिंग के 44, तेज गेंदबाजी कॉन्ट्रीब्यूशन 65 विकेट का, जो कि पहले इनिंग का 33 और दूसरे इनिंग का 32 लगभग बराबर का कंटेस्ट, वहीं पर स्पिनर्स के नाम 22 विकेट, दोनों ही इनिंग में 11-11 विकेट। तो कुल मिलाकर जो विकेट गिरे इसमें तेज गेंदबाजी हावी, बाकी बल्लेबाज भी यहां पर चल रहे हैं। उम्मीद करेंगे एक रोमांचक फाइनल हमको देखने को मिलेगा। वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।